हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल NMT टेलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कॉलर बनाएंगे और अटैच करके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा शर्ट स्टिचिंग पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम आज कॉलर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये हमने कॉलर देखिए पहले चिपका रखा था, और अभी चिपकाने के बाद हम जो हमारा कॉलर देख रहे हैं बैंड पट्टी के नीचे हाफ इंच कपड़ा रखते हुए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। और 2 कट जरूर लगाएं आप जहां हमारा राउंड है। इसके बाद इस तरह से अंदर फोल्ड करके एक पैर पे सिलाई चलाते हैं। इस पर सिलाई बिल्कुल सीधी चलाएं और आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। देखिए हमारा ये सिलाई चल गया है। इसके बाद हम बैंड को अलग करेंगे, बिल्कुल टॉप के पास से कटिंग करेंगे। इसका सेंटर निकाल लेते हैं दोनों। देखिए यहाँ पे मिला करके ये हमारा सेंटर के फुट का लग गया। अब हम नीचे का जाति काटेंगे जिसको अस्तर बोलते हैं। सबसे पहले हम बैंड पट्टी का अस्तर कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं इस पर रख रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि हम देखिए इस शेप में कटिंग करें, सीधा अपना कटिंग करें, क्योंकि सीधा कटिंग करने के बाद जब हम टॉप में बैंड के साथ अस्तर को अटैच करते हैं तो उस टाइम बहुत दिक्कत होता है, खींचा नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए इसको शेप में कटिंग करें। ये हमारा हो जाएगा टॉप के लिए अस्तर। चलिए कच्चा करते हैं सबसे पहले हम इसको। देखिएगा इसको सीधा रख के इस तरह से करते हैं, तो अक्सर लोग सीधे पे ही चढ़ाना शुरू कर देते हैं आगे पीछे करके, तो दिक्कत होता है। इसके लिए आप शेप में कटिंग करें। चलिए कच्चा करते हैं हम इसको, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएं। इसके बाद यहाँ पे धागा डाल लेंगे। धागा डालने से ये होता है कि नोक बिल्कुल सही से निकलता है। इस तरह से निकालेंगे हम लोग कैंची की मदद से या किसी अंगुली चीज़ की मदद से, नहीं निकलता सही से। लेकिन धागा डालने से पॉइंट पर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से हमारे कॉलर की नोक निकल जाती है। इसके बाद आप जब भी इस मशीन पे बनाएं, काली मशीन पे, छोटी मशीन है, तो नीचे कपड़े को थोड़ा खींच के रखें, क्योंकि चलते चलते क्या होता है नीचे कपड़ा ढीला पड़ता है, इसके लिए दिक्कत होता है। लेकिन दूसरे कोने पे भी हम लगा दे रहे हैं धागा। धागे को अंदर करने के बाद ये हमारा हो चुका है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग करके बाहर निकालेंगे। इसके बाद 2-3 जगह कट लगाएंगे जहाँ हमारा कॉलर राउंड है। कट नहीं लगाते हैं तो वो पल्टी करने के टाइम को थोड़ा खींचता है, इसके लिए कट लगाते हैं। अब देखिए पल्टी करेंगे, इसके बाद धागे को पकड़ के खींचिए आराम से, बिल्कुल अच्छा और साफ सुथरा नोक निकलता है हमारा। ये हो गया। इसके बाद आप चाहें तो हाफ इंच पे चलाएं या पैर पे, मैं एक दाब का सिलाई चलाऊंगा। नॉर्मली यही चलता है एक दाब की सिलाई पे। और अंगूठे की सहायता से नीचे का जो अस्तर है उसको हम पीछे के ढकलते रहेंगे ताकि वो बाहर न दिख जाए। अगर आप कच्चा किए होंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाल का इशारा करेंगे वो चला जाता है अपने आप। इसके बाद नीचे के साइड में भी हम मुँह बंद कर देंगे इसका, नीचे का स्तर जो है उसको थोड़ा बाहर खींचते हुए। मैं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा अच्छे से, कोई जल्दी नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप वीडियो को पूरा देखें, सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो में कॉलर बनाने के लिए। देखिए इसका भी हम सेंटर निकाल के कट कर लिए। ये हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक ही सिलाई में बैंड के साथ अस्तर लगा के और जो टॉप है एक ही सिलाई में इसको टच करेंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से रखें और यहाँ से सिलाई शुरू कर गए। हमारा जो टॉप से 1 इंच 1.5 इंच बाहर रहता है हमारा पॉइंट, वहाँ पे हम मार्कर पे निकाल लिए। एक बार लगा के यहाँ से देख लेंगे नाप के,
थोड़ा कभी कभार रहता है आगे पीछे, तो अभी आगे पीछे कर लेंगे क्योंकि अभी इसमें हम टाँका नहीं लगाए हैं। अब देखिए दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और अंगूठे की मदद से नीचे का जो टॉप है उसको हम एडजस्ट करेंगे आगे पीछे। अगर पहली बार बना रहे हो तो आप थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, और नीचे का स्तर को खींच के रखेंगे। खींच के रखने का मतलब है हल्का सा खींचेंगे। देखिए बिल्कुल कितना जल्दी बन गया हमारा कॉलर, 3 से 4 मिनट लगा होगा बनने के लिए इसको। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से नोक को निकालने के लिए, यहाँ पे तो धागा डालते नहीं हम लोग, तो इसको पलटी करने के लिए देखिए बिल्कुल पहले एक बार इस तरह से फोल्ड करें, फिर इसके बाद इस तरह से, और यहाँ पे दबा के पकड़ के रखें, पलटी कर दें, निकल गया हमारा नोक। इसके बाद ये जो बीच वाले कपड़े हैं इसको हम अच्छे से नाखून मार के सही करेंगे, और जो बीच का ज्वाइंट दिख रहा है हमारा टॉप और बैंड का, वहाँ पे दाब पे सिलाई चलता है, तो इस पर भी दाब पे सिलाई चला लेंगे नीचे का स्तर खींचते हुए। ये हमारा लग गया सिलाई। अब 2 सूत का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकालेंगे कट करके। देखिए ये हमारा कॉलर ओके है रेडी। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए चौक से निशान लगाएंगे क्योंकि उसी की मदद से बॉडी में अटैच करने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से 3 जगह मार्क लगेगा हमारा इस पर, एक सेंटर में और 2 साइड में। सेंटर वाला सेंटर पे चढ़ेगा और साइड वाले मार्क का क्या काम है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब हम हाला छाटेंगे क्योंकि फिक्स हम तो कभी काटते नहीं और आप भी कभी ना काटें, थोड़ा कम रहेगा इस टाइम पे आप बनाए या कारीगर बनाए वो हाला छाँट के काला चढ़ा सकता है, लेकिन अगर फिक्स कर देंगे तो भी दिक्कत हो जाती है। देखिए हमारा कम है, सेंटर से ही नापेंगे क्योंकि हम डबल फोल्ड किया है ना बॉडी को। देखिए इतना निकालना है, सबसे पहले अच्छे से बिठाएं क्योंकि जितना बेहतर हमारा हाला सेटिंग होगा उतना ही बेहतर कॉलर हमारा बैठेगा राउंड में बिल्कुल। बिल्कुल राउंड में कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा, एक बार फिर से नाप के देख लेते हैं जी। देखिए हो गया फिक्स। अब चलते हैं इसको अटैच करने। देखिए इसके लिए ये हमारा सीधा है, बॉडी हम सीधी रखेंगे। ये तो हमारा फ्रंट पट्टी बना हुआ, जैसे पॉकेट लगाते हैं फ्रंट पे, वहाँ से अटैच करेंगे। ये हल्का इसको पीछे फोल्ड कर दिए। एक समान मार्जिन को पकड़ के सिलाई करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर पर सेंटर रख के, देखिए जो पीछे वाला मार्क हमारा जहाँ पे आ रहा है ज्वाइंट के पास आ रहा है, तो हमारा इधर वाला भी बिल्कुल उसी जगह पे आना चाहिए। आगे पीछे होगा फिर आप जब कॉलर प्रेस करके रखेंगे तो राउंड नहीं बैठेगा, देखेंगे तो वह एक तरफ भागता हुआ दिखेगा आपको। राउंड बैठने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कहीं दूसरी तरफ देख रहा है ऐसे। इसके लिए दोनों मार्क जो लगाए थे हम साइड में उसको भी ध्यान में रखते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल आराम से हो गया हमारा। अब देखिए आप सेंटर से शुरू करें,
यहाँ पे लप पे सिलाई लगेगा। कपड़े को खींचते हुए देखिए, जैसे मैं खींच रहा हूँ दाहिने हाथ से, और इस जगह पे आपको कुछ चाहिए नुकीली चीज, जिसे मार्जिन को अंदर करने के लिए पूरी तरह से मार्जिन को अंदर करके सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर देखिए डबल सिलाई हुआ, क्योंकि पहले हम दाब पे सिलाई चलाए थे एक पैर का, अभी बिल्कुल जॉइंट के जो जड़ है लप पे सिलाई चलती है, यहाँ पे डबल सिलाई हो जाता है। ये हमारा हो गया कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग, 10 मिनट लगा होगा आपको दिखाने में। सारे धागे को अच्छे से कटिंग कर लेंगे हम। देखिए हमारा बिल्कुल, देखिए यही सेंटर की मैं बात कर रहा था, ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से बनते। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।